हे गाइस, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी देख रहा था कि क्या ट्रेंड वगैरह चल रहा है। तो अभी मैंने जस्ट देखा कि गाइस ये बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी जस्ट मैंने देखा कि एक रेडमी 6 से करके मोबाइल है वो फट गया है और उससे एक मतलब एक पर्सन की डेड हो चुकी है। भाई मुझे मतलब बहुत अजीब सा मतलब इतना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये पूरा मतलब हर किसी के घर में लगभग दो फ़ोन होंगे, दो फ़ोन से ऊपर ही रहते हैं एवरेज निकालूँ तो। उसमें एक ना एक रेडमी का फ़ोन होता है और वो रेडमी 6A था और भाई वो फटा है। और इससे आप समझ सकते हो कि एक मोबाइल फ़ोन किसी की जान ले सकता है, बम टाइप में ऐसा फट सकता है। तो भाई वो गलती अपनी हो चाहे कंपनी की हो, लेकिन गाइस फटता तो है ना। तो ये वीडियो पूरा देखना, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा क्या क्या हुआ, प्लस आप कैसे कम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपका फ़ोन नहीं फटेगा या फिर उस पर वो ऑलरेडी वो कभी कंपनी ये क्लेम नहीं करती कि हमारा फ़ोन नहीं फटेगा कभी, लेकिन गाइस आप कैसे सावधानी रख सकते हो और पूरा न्यूज़ क्या है, पूरा मामला क्या है, वो सारे डिटेल बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ, ये MD टॉक करके एक यूट्यूबर है, उनने ये वीडियो डाला और ट्विटर पर ट्वीट किया कि भाई कोई आंटी है, उनका जो फ़ोन है रेडमी 6 है वो मतलब वो नाइट में सो रही थी, या पता नहीं, मुझे उतना कोई नॉन इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन गाइस उनका जो फ़ोन है वो यूज़ करते समय या फिर उनका नोटिफिकेशन कुछ आया और उन्होंने उठाया मोबाइल के पास, फेस के पास अपने मोबाइल फ़ोन को लाया और भाई उसमें ब्लास्ट हो गया और उनसे उनकी डेथ तक हो गई। और मतलब फ़ोन की हालत आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी है। और भाई सोच सकते हो कि जो पर्सन ने उस फ़ोन को उठाया होगा, तो सोचो आप कंपनी ने, हालांकि ट्विटर का ट्वीट पे रिप्लाई ज़रूर किया है कि भाई कंपनी ने शाओमी की तरफ से कि भाई हम देखेंगे, एक स्टडी करेंगे, लेकिन गाइस अभी उनकी जान तो वापस आने से रही। अब वो कितना ही स्टडी कर दे, अब कोई भी कंपनी, अभी तक आप इतिहास बता दो मुझे कितने सारे केसेस हुए, वकील के साथ एक बार केस हुआ था याद होगा आप लोगों को, वीवो फ़ोन के साथ में शायद, तो उसमें भी वकील ने केस लड़ा था, ये वो हुआ था, लेकिन फिर वो गिवअप वगैरह कर दिया, पता नहीं क्या है। लेकिन गाइस यही है कि कंपनी के साथ अपन कभी वो नहीं कर पाएंगे, अपन कॉमन मैन है, अगर मान लो मेरा फ़ोन फट जाता है ना, तो मैं ट्विटर ट्वीट वीडियो वगैरह ये करके कंपनी थोड़ा पैसा दे देगी, लेकिन गाइस किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घर में भी आप बहुत सारे फ़ोन्स वगैरह चलाते होंगे, तो भाई फ़ोन को अपने अभी मनोरंजन के लिए, कई वर्क के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कई चार्जिंग पे भी यूज़ करते हैं, तो भाई प्लीज़ यार केयरफुल यूज़ करना अपनी चार्जिंग, चार्जर वगैरह भी कंपनी का यूज़ करना, और अदर भी यूज़ करते हो तो थोड़ा देख के यूज़ करना। और भाई चार्जिंग पे लगाते समय कभी यूज़ मत करना फ़ोन को, क्योंकि भाई कभी भी फट सकता है, आपने देखा एक डेथ मतलब 1,000 में एक लोग की भी हो रही, तो भाई डर तो है ना, कभी हो सके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद ये फट जाए, कुछ भी हो सकता है इस फ़ोन वगैरह में। इसमें कंपनी कभी, कोई भी कंपनी ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि मेरा फ़ोन नहीं फटेगा, मतलब हमारी कंपनी का ये फ़ोन नहीं फटेगा, आप इसे परचेस कर लीजिए, कोई भी कंपनी ऐसा क्लेम कभी नहीं करी है। और उनके टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं जो अपन पढ़ते नहीं है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आपके जेब में अगर इंटरनल फोर्स लग जाए, मतलब मोबाइल है वो मान लो तकिए के नीचे रखा है, तकिए मेरा सर रहेगा तो तकिए सर रहेगा तो मेरा वजन उस पर जाएगा, तो वो भी वो काउंट नहीं करेगा, बोलेगा तुम्हारी गलती से फटा, तो हो जाता जाना अनजाने में। अपने पैन अपना जो पैंट होता है उसमें रखा रहता है, जीन्स वगैरह टाइट रहते हैं, अपन बैठते तो थोड़ा फोर्स पड़ता है, तो उससे भी कंपनी बोलती है कि जो बाहर का फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, तो भाई फट सकता है। तो प्लीज़ गाइस केयरफुल यूज़ करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों तक पहुँचे ये न्यूज़ और समझ जाए। और रेडमी 6 से अभी कंपनी बताएगी कि क्या है, कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और वीडियो को लाइक मत करो, जो कुछ भी मत करो, बस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में कि भाई किसी के साथ में कुछ ना हो, और रेडमी 6 से वाले थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि गाइस अभी जस्ट एक केस हुआ है। और आप लोग देख लेना कि अभी न्यूज़ वगैरह भी आप थोड़ा सर्च कर लिया करो कि भाई फ़ोन वगैरह के साथ में क्या हो रहा है अपने अपने फ़ोन के बारे में, जैसे मेरा रेडमी नोटेड प्रो है तो मैं सर्च कर लूँगा रेडमी नोटेड प्रो न्यूज़ वगैरह, तो उससे पता चल जाएगा मेरे फ़ोन में कुछ कहीं और ज़्यादा ज़्यादा केसेस तो नहीं आ रहे, हो सके मेरा, क्योंकि ज़्यादा केस मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपके फ़ोन को भी ब्लास्ट होने की। गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका फ़ोन ब्लास्ट होगा, लेकिन गाइस फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जान जाने से किसी को मतलब जान जाने के बाद वापस तो कभी आ नहीं सकती है, इसलिए प्लीज़ गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेफ़ रहे और मोबाइल फ़ोन से मतलब थोड़ा दूरी बनाए रखे अभी के टाइम पर, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा सेफ़ फ़ोन नहीं है जो आपको सेफ रखे। अभी ये मैं मान रहा हूँ कि 1,000 में एक ही केस आया है, लेकिन गाइस हो सके वो 1,000 में से आप ही हो या फिर मैं ही हूँ, इसीलिए थोड़ा सेफ़ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपन सभी लोगों को। तो बस यही था, थोड़ा सा न्यूज़ देना था इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी तो मैं इस चैनल पर ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। चलो गाइस अभी आप लोग टेक केयर, ठीक है।